प्रतापगढ़ जिले के लालगंज ब्लॉक में आपूर्ति विभाग के कार्यालय में अक्सर ताला बंद रहता है, जिससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जब लालगंज ब्लॉक में एसडीएम विनीत उपाध्याय ने औचक निरीक्षण करने पहुंचे, तो आपूर्ति विभाग कार्यालय का ताला देखकर वे भड़क गए और सप्लाई इंस्पेक्टर को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि सप्लाई इंस्पेक्टर 2 या 3 तहसील में रहते हैं, लेकिन जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही के निर्देश पर हर एक तहसील को एक सप्लाई इंस्पेक्टर उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे अब समस्या नहीं आएगी। सप्लाई इंस्पेक्टर को सख्त निर्देश दिया गया है कि कल से कार्यालय न खुलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक एक शिकायत आती थी कि जो सप्लाई इंस्पेक्टर्स थे ये 2-3 तहसीलों में रहते थे, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने अब हर एक तहसील को एटलीस्ट एक सप्लाई इंस्पेक्टर डेजिग्नेट कर दिया है, उस वहाँ पे पदाभिहित कर दिया है। आज ये बहुत निराशाजनक बात है कि आज भी ये ऑफिस जो है कार्यालय सप्लाई ऑफिस यहाँ पे ब्लॉक पे जो स्थित है ये बंद है। इसके संबंध में अभी सप्लाई इंस्पेक्टर को मैंने काफ़ी कड़ाई से इस रक्षा की है और इन्होंने कहा है कि इसको फंक्शनल कराएंगे और आगे से 2 घंटे ये ऑफिस रोज़ सुबह खुलेगा। अगर नहीं खुलेगा तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।